पहचानती सकते या यू कहें तो ज्यादा आसान होगा कि जान लो कि तुम नहीं जान सकते फातिमा क्या है, तुम नहीं पहचान सकते। उसी मार्फत तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन अगर हमें तालीम नहीं देके पहुंचने की कोशिश करो, जितनी मार्फत हासिल कर सकते हो करो, जितनी वसअत होगी, जितनी तुम्हारे अंदर ज़र्फियत पाई जाएगी, उतना तुम कमाल पे पहुंचो। अगर हम इन आयात को तो ज़ाहिर वैसे ही समझ सकते हैं कि जो वरन जो आयात हमारे पास है, वरन ये कि शबे जुमा भी है, शबे दुआ, शबे मग़फ़रत है, और आलम अरबा से रूहें जो हैं वो अपनों के घरों में तवज्जो करती हैं, कोई उनको याद करने वाला है और सारी रूहें कि तमाम अरवा अंबिया औलिया आइमा सब आज करबला होती और मोमिन को भी चाहिए कि उसकी ये ख्वाहिश हो कि वो शबे जुम्मा करबला हो। ये जरूरी है, ख्वाहिश करेंगे तो जाएंगे, हसरत रखेंगे तो जाएंगे। अब आप अगर हसरत नहीं रखेंगे कैसे बनेंगे? आप अपने वजूद में इस चीज को रखेंगे, काश कोई शबे जुम्मा खुदा मुझे नसीब कर कि वो छह गोशे वाली जरी को मैं भी देखूं जाकर और जाएं। इसलिए कहा गया कि शबे जुमा ज्यारत है इमाम हुसैन, आप दूसरे पढ़े जा नहीं सकते, दूसरे पढ़े ज्यारत वारसा पढ़े, कोई भी ज्यारत पढ़े ज्यारत आशूरा पढ़े, कुछ नहीं कर सकते। कम से कम तीन दफा कहें सल्लल्लाहु अलैहि या बाद अल्लाह, आपकी ज्यारत हो जाएगी। क्योंकि भारत मांगता था यही घूम रहा है, लगता है दुनिया बहुत फैली हुई है, असल दुनिया यही सिमट आई जहां पर सैयद की सारी कमाई पहुंची, यही असल जिंदगी है। अगर हमें इसे सबक हासिल करना है, दर्श लेना है और अपनी जिंदगी को तरसीम करना है कि आया ये जिंदगी वैसी है जैसी चाहते हैं या नहीं चाहते। अजीज बहुत मशहूर है, आप सुनते रहते हैं, परवरदिगार ने खुद हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रसूल खुदा जाहिर है, वो रसूल की जो कोई बात अपनी मर्जी से नहीं फरमाते, कुरान यही कहता है कि कोई भी चीज अपनी मर्जी से नहीं कहते। और जब उन्होंने कहा कि ये कुरान है तो हमने मान लिया कि ये जो आप कह रहे हैं कुरान है, जब कहा हदीस है हदीस है, जब कहा हदीस है कुदसी है तो कहा कुदसी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिद्दीक और अमीन है, सच्चा है, अमानत वाला है। तो अब जो वो कहेंगे वो जाहिर अपना नहीं है, सब परवरदिगार की तरफ से है। वहीं पर वो फरमा रहे हैं कि जिसने फातिमा को राजी किया उसने अल्लाह को राजी किया, और जिससे फातिमा गजबनाक हुई उससे अल्लाह। और मैं इस चंद तकनीक के बाद है आपकी खिदमत में इसी एक जुमले पे इख्तिताम करूंगा। हमें ये देखना है कि क्या बीवी हमसे राजी है कि नहीं। जब हम ये हदीस बयान करते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ तारीफ का वो एक वाक्या आ जाता है और हम गुजर जाते हैं, लेकिन हकीकत तो वही छुपी हुई है सब कुछ। लेकिन हमारे लिए तो है कि क्या खातून कायनात हमसे राजी है या नहीं है। यहां हमें अपनी जिंदगी में देखना है, हम अपनी जिंदगी में अपने जिंदगी गुजारने में अपनी फैमिली लाइफ में अपनी ऑफिशियल लाइफ में स्टूडेंट लाइफ में इन सब में क्या बीबी को राजी कर रहे हैं।
یہی اصل امتحان ہے. اگر راضی کیا تو پھر امام تک پہنچیں گے, کیونکہ جس نے بیوی کو راضی نہیں کیا وہ امام تک نہیں پہنچ سکتا. امام تک جانے کا دروازہ یہی ہے, یہی در ہے. اس لیے گیارہویں امام امام حسن عسکری رضی اللہ چاہے پانچ منٹ بعد اگلا اسٹیشن آ جائے
किताब पढ़ते हैं तो गुनाह करते हैं, बंद कर देते हैं, वक्त को जाया नहीं करते, किताब पढ़ते हैं। हम कितनी किताबें पढ़ते हैं और चले दूसरी किताब छोड़ दीन के लिए, अकायद इखलाक की सीरत अहले बैत की कितनी किताबें पढ़ते हैं, कितनी किताबें हमने पढ़ी, यानी टीवी सीरत पे हमने कितनी किताबें पढ़ी। Sí.
چہرے کو دیکھیں. لیکن ہم رسول خدا نے جو فرمایا ہے اپنی زندگی میں اگر عمل کریں تو رسول تک پہنچ سکتے ہیں. اب رسول نے تو پورا اسلام ہی دیا ہے, بچہ تو کچھ بھی نہیں کہیں سے, تو اب آپ کہیں سے بھی عمل کریں تو آپ رسول کی بات مان رہے ہیں. لیکن میں اور آسان کر دیتا ہوں آپ کو, بہت ہی آسان سے کر دیتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے, جراثیم ہوتے ہیں وہ بھی چیک کر سکتے. اگر آپ اس لیے دھوئیں کہ رسول خدا فرماتے تھے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے, تو سنت رسول کا عمل کر رہے ہیں آپ, اور آپ بچے سے کہیں کہ بیٹا ہمارے رسول ہاتھ دھوتے تھے, تو اسے رسول سے بھی محبت ہو جائے گی. آپ نے سونے سے پہلے مسواک کرنا چاہیے, برش کرنا چاہیے, رسول کرتے تھے بیٹا تو یہ بھی کرے گا. یعنی ہر وہ چھوٹے چھوٹے کام جو کہ سنت اور آداب ہیں اسے رسول نے سکھائے ہیں. تو ایک چھوٹی سی کتاب سنت رسول خریدے, ورنہ ہماری کتابوں میں ہے جو ہمارے یہاں احکامات کی کتابیں ہیں, اس کی کتاب میں اس کے اندر ہے سب کچھ, وہ لے اور اپنی زندگی میں دیکھیں. یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں زندگی میں مسنگ ہیں جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں ہماری زندگی میں پریشانیاں, گرفتاریاں. آپ اپنے آپ کو جوڑیں ان سے. تیسری چیز جو خاتون افضل کو پسند تھی دنیا میں, وہ خدا کے نام میں انفاق کرنا, خدا کے نام میں دینا. تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم خدا کی راہ میں کتنا دیتے ہیں, لیکن اس مقام پہ پہنچ جانا کہ رسول خدا فرماتے ہو فدا ہوا, یعنی باپ آپ پر فدا ہو, یعنی باپ کا فدا ہونا یعنی سارے انبیاء کا فدا ہونا. اپنے وجود میں اتنا کچھ ہے کہ ہماری زندگی اگر ذرا زمین کے قریب آئے ذرا درک کر سکتے کہ یہ کیا ہے, یہ راز ہے کائنات کا, یہ کائنات کا راز ہے. کائنات انہی کے وجود کے گرد گھوم رہی ہے. ہم اس بات کو اگر ذرا سا محسوس کر رہے ہیں تو سمجھ میں آئے گا. جو لوگ متصل ہوئے ہیں ان سے انہیں پتا ہے کہ راز کیا ہے. آٹھ سال کی عراق ویراق کی جو وار تھی اس میں جتنے بھی راوی ہیں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی بڑے آپریشن تھے ان سب کا کوڈ ورڈ جو تھا وہ یا زہرا تھا. ایک جگہ رات چاروں طرف پہاڑ ہے, ہنس گئے
आंखें भर गए थे। इससे पूछा, तुम्हें किसने दे दिया ये एग्जैक्ट? कहा, मैं तो बीबी की बात कहा, मैं मुझे सुना खुदा की बात कहा, मैं सजदा किए हुए था। जैसे ही मैंने सजदे से सर उठाया, जमीन पे ये डिजिट लिखे होते थे, कायनात का वास है। ये जो लड़ाई थी, ये जमीन के टुकड़े की थोड़ी लड़ाई थी, ये बीबी के फंसन की भी लड़ाई थी। इन्होंने अपनी शर्टों के पीछे लिखा होता है शहादत या ज़ियारत। तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है, उसी के आने वाले फर्जन के लिए ये सब जमीन आपका काम होता है। रास नहीं है। अभी जो लोग घबराते हैं जिंदगी में, और उन लोगों के चेहरे को देखेगा तो ये कितना मुस्कुरा रहे होते हैं, इन्हें कोई खौफ ही नहीं है, क्योंकि इनके पास रास है। रास दुनिया करती है फायदा से, ये कर लेगा वो कर लेगा, हम मरते तो नहीं है, जितना मांगोगे हम उतने जिंदा होते हैं। हमारे यहाँ माता कोई नहीं है, हमारे यहाँ दुनिया हदफ थोड़ी है, हमारे यहाँ हदफ तो वो वादी है। Gracias.
سے ایک احترام، شب عاشورہ حر اپنے آپ کو جہنم اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہے، جہنم اور جہنم کے درمیان، وہ ایک احترام حر کو ہزار مہینوں نہیں ہزار سال کا سفر کرا گیا، نظر بھی بیٹھے تو خط پڑے گئے،
कई आदमी बयान करते हैं कि हमें बहुत वजीफा दिया इमाम तक पहुंचने का, कौन निकले इमाम तक पहुंचे, इमाम को देखा, उस सवाल थे जो इमाम से, जैसे इमाम को देखा सवाल भूल गए, इमाम को देखे कहा होगा क्या कर रहे भूल गए, और सलाम किया बाहर निकले, बाहर जैसे लेकर सवाल जा रहा तो कहा दोबारा जाता हूँ इमाम जाने देखे दोबारा जा रहा क्या आदमी बोला पहले बोला उसे कहा कि इमाम तक इमाम से मिलना है, कहा इमाम तो नहीं है, हम कैसे पता करें अभी तो इमाम से मिला होगा कर नहीं तो नाराज हो उसको बोला कि मेरे बेटे नाराज हो क्या मैं तुम्हें इमाम के आने का बता सकता है जाने का तो मौका है तो आप नाम रखते हैं इमाम नहीं है हाँ इमाम का एक शागिर्द बैठा था तो जैसे ही खोला अंदर जाकर देखा तो सही लोग अंदर सोने बैठे और जैसे इमाम बैठे तो उसी तरह बैठे तो कहते मैंने सवाल सवाल पूछे उन्होंने मुझे मैं निकला जब मैं नजर के करीब पहुंचा तो मेरे दिल में बड़ा आया कि ये पता नहीं जो शख्स था मिलता जुलता तो सही है अबू हसन इस्लामी था था कि नहीं अब दिल कह रहा है जाओ घर जाके पूछो लेकिन हम अंदर से कह रहे हैं नहीं वो कैसे हो सकते हैं ये कैसे हो सकते हैं दूसरे दिन रहा नहीं गया चले गए जैसे दरवाजे में गए तो उन्होंने पहली खाने को बोल दिया भाई आए कहा जैसे अंदर आए देखा अबू हसन सुहानी वैसे ही बैठे थे जैसे वहां बैठे थे फिर वो सवाल पूछे तो इन्होंने कहा कि मैंने पहले जवाब नहीं दिया इस महान पे कैसे पहुंच गए यकीन कौन सा यकीन कि इस महान के गांव में रहने वाले थे किसान के बेटे थे फकीर से थे कहा अगर मुझे इमाम की भक्ति करनी है मुझे मदरसे में बाप ने बोला हमारे पास तो बेटा सही तरह कुछ खाने पीने को मिली कहा कोई कोई ना चले गए मां ने एक दिन कहा कि बेटा गया जाओ उसकी हालत देखो क्या है वहां पहुंचे बर्फ मदरसे में रोशनी भी नहीं गर्म कोई इंतजाम भी नहीं बेटे की हालत देखी तो बेटे को शुरू हो बेटा गांव में कुछ लोगों तो मिल जाता ये तुम कहां गए चलो वापस अब बाप का हुक्म चाहिए बाहर निकले मदरसे में ये सहन में आए इन्होंने खुदा की बारगाह में क्लियर किया तो परवरदिगार तू जानता है मुझे ये सारी सख्तियां बर्दाश्त है लेकिन मुझे अपने इमाम की मुकरी करनी है ये कह के अभी आए थे कि मदरसे का खादिम आया बाहर सैयद कोई दरवाजे पर आपसे मिलने आया है बाहर पहुंचे कोई बात नहीं वक्त का इमाम पहुंचे इमाम ने कहा ये कुछ चीजें को तुम्हारे कमरे में जो किताबें हैं उनके पीछे एक शमा है उसको रोशन करो रोशनी भी होगी गर्मी भी हो जाएगी बाकी चीजें तुम्हें तक पहुंच जाएगी हाँ अपने वालिद से कहना कि हमारा साहिब जिंदा है जब जाकर देखा तो दोनों रोने लग गए बाप रोने अजीजा ने माता साहिब जिंदा है क्यों परेशान क्यों गिरफ्तार है क्यों कमजोर है क्यों हमारे इरादे इतने जरीफ है क्यों हमारे पास प्लानिंग नहीं है क्यों हमारे पास स्ट्रेटेजीज नहीं है हम कब तक अपनी बातों को मनवाने के लिए धरने डालेंगे 2013 में भी धरना था 2021 में धरना यानी हमने 8-9 सालों तक अपने आप कुछ नहीं किया अपने अंदर वजूद को मुस्तहकम करें
कैसे अनुभव करेंगे हम लोग, किस तरह करेंगे, बड़ा करेंगे। खुदा तो बोला क्या कि तुमने अपने आप को तब्दील नहीं किया, नेमतों को फारा किया, तो मैं तुझे उसको भेजेगा। खुदा को ऐसी कौन लेकर आएगा जिसे खुदा मोहब्बत करता है, वो खुदा से मोहब्बत करता है। हम रह जाएंगे नीचे, अफसोस इसका है, अपने आप को इनके करीब करें। ये मसले से मातम या सदारी सिर्फ होना तो हमारे लिए हयात है, क्रिया इंसान को तबाही और अब्दी इंसान के वजूद को पाक करती है, लेकिन जब वजूद पाक हो जाए तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तभी आप आगे आते हैं, क्योंकि आप क्रिया करें ताहे होंगे, तहारत ही इतनी करीब आ सकती है, निजासत इतनी करीब नहीं आ सकती। क्रिया अठवें मन फरमाते हैं पाक करता है तुम्हें, लेकिन आगे सिर्फ मासूमियत बयान नहीं करो, शुजात भी तो बयान करो, आगे बढ़ो, अदा कर देखो बीबी सैयदा उतने फजाइल के बावजूद, उस अजमत के बावजूद, और एक खातून होते हुए पीछे नहीं थी। ये खातून थी, खातून अब थी, एक ही रसूल की बेटी थी, कुछ भी कह सकती थी। अजीम हस्ती जिसे खुदा कह रहे हैं, अपनी अजमत से सैयदा को पैदा किया, मादरे हसनैन पे बाबाज है गुलाम दर से ज्यादा ज़ईफ़ हुई है,
Thank you.